दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए TT1 को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका सीएम अगर आप देख रहे हैं TT1। तो दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक एनपी की जो कि कैनन कंपनी की है और ये 2-in-1 है। मज़े की बात, तो मज़े की बात यह है 2-in-1 है। 2-in-1 से मुराद क्या है, ये आप अपने किसी भी लैपटॉप या पीसी वगैरह और उसके बाद आप अपने एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ों में, पीसी वगैरह में और एंड्रॉयड सेट वगैरह में, ठीक है। तो इसकी जो मार्केट प्राइस थी मैंने बाय किया है वो तो डिफरेंट है, 350-400 के दरमियान इसकी एक्चुअल जो है वो इसकी मार्केट प्राइस है, क्योंकि डिफरेंट इसके अंदर मॉडल भी आते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ उसको फ्रेम करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने मोबाइल उसके बाद लैपटॉप वगैरह भी इन्होंने बना दिया और इसका IP309 इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर इसकी ये लिखा हुआ भी है नीचे, इन्होंने केबल वो जो है 120 सेंटीमीटर की नीचे है और एक्सटेंशन केबल फॉर PC एंड नोटबुक के लिए भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर इन्होंने एक मेगा इन्होंने बेस का वो भी दिया कि इसमें मेगा बेस भी है काफ़ी अच्छी। तो यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर आप स्पेसिफिकेशन भी इसके पढ़ सकते हैं, काफ़ी लिखे हुए हैं इन्होंने। 20-20 Hz तक इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसके बाद सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा केबल है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ उसकी, ठीक है। तो उसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही कमाल की है इस प्राइस में, अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल प्राइस में काफ़ी, क्योंकि आजकल एनपी है तो काफ़ी कॉस्टली भी है, मगर ये काफ़ी नॉर्मल प्राइस में इसकी अगर आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल की लगी मुझे तो। और इसके अंदर मज़े की बात ये भी है कि इसके अंदर दो, मैं आपको बता दिए पहले कि इसके अंदर दो फीचर है, ठीक है, दो जगह पर यूज़ हो सकती है। तो ये है हमारी बेसिकली हैंड फ्री, अंदर से इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं कि कमाल की इन्होंने बनाई है चीज़ें कहने वालों ने, तो काफ़ी ही कमाल की इसकी पैकिंग भी आप देख सकते हैं, 2-in-1 दिया ऊपर से इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। तो मैंने बाइक की ऊपर से साउंड क्वालिटी अच्छी है इसकी, तो ये काफ़ी मतलब अच्छी इसकी पैकिंग वगैरह भी है। तो मैं इसको अब निकाल लेता हूँ बाइक इसके बॉक्स से, तो ये आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। तो जैसे ही खोलता हूँ तो सबसे पहले आपको इसकी जो है PC की केबल जो है वो मिल जाती है साथ, ठीक है, PC केबल इसके साथ आ गई है, ठीक है। तो सॉरी मैं इसको सेट कर देता हूँ, ये PC की केबल जो है ये इसके साथ है, ठीक है, जो आप PC के एक्सटेंशन उन्होंने दी पहले लिखा हुआ था, ये मैं आपको पहले इसकी ये दिखा देता हूँ, ये है इसकी केबल होगा, ठीक है, जो आप इसके लगा सकते हैं यहाँ पर इसके लिए, जो पीछे यहाँ पर ये लगा के मैं ये एंट्री ये लगा के और आगे इन्होंने ये दो दिए हुए, एक तो ये रिकॉर्डिंग का दिया हुआ और दूसरा इन्होंने ये आप देखा वहाँ ये इन्होंने उस पर ये दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं साउंड उसमें साउंड म्यूजिक के लिए, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ था इन्होंने रिकॉर्डिंग टाइप, और ये है मेरी असल एंट्री, ठीक है, मेन जो है हमारा आती है अनबॉक्सिंग। तो उसके बाद मैं इसकी अंदर से इसके नीचे से ये निकाल लेता हूँ इसकी जो इसके स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है, तो इसके अंदर सारी मेरे ख्याल से चाइनीज़ में ही लिखा होगा, ये इसके अंदर सारी चाइनीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं सारी इसकी जो भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तानी हमें तो समझ नहीं आती इसकी, अगर कुछ चाइनीज़ है तो वो आप जिसको आती है तो वो भी पढ़ के इसके अंदर समझ सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये है एंट्री बेसिकली, तो मैं इसको यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हैंड फ्री, तो फ्रेंड्स ये है हैंड फ्री मेरी आज की, ये आप देख सकते हैं इसका सारा, ये इसकी वॉल्यूम वगैरह के लिए सारा कुछ यहाँ पर, और ये है इसकी जो भी कान में लगाने वाली इसकी हैंड फ्री, ठीक है। तो बस यही थी आज की हैंड फ्री की अनबॉक्सिंग छोटी सी, तो अच्छी क्वालिटी में मैं तो कहता हूँ कि ये काफ़ी ही कमाल की उन्होंने ये बनाई है चाइना वालों ने चीज़। तो इसके साथ जो एक्सटेंशन केबल आपको दिखा चुका हूँ कि काफ़ी अच्छी है, और ये भी काफ़ी बड़ी एक्सटेंशन केबल है, मतलब आप काफ़ी दूर बैठ के भी आराम से आप अपना काम कर रहे हो या कंप्यूटर पर लगा के आप ये वाली केबल लगा के आराम से ऊँचे इसको सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, आप इसको सुन भी सकते हैं म्यूज़िक के लिए भी। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे आज की ये वाली एंट्री, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये अच्छी लगी होगी ये मेरी आज की अनबॉक्सिंग।
तो अगर पसंद आइए तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ और भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।